अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे इन्फिनिक्स के 030 का और टेक्नो के लेटेस्ट मॉडल टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस का। ये पाकिस्तान में दोनों लेटेस्ट मॉडल आए हैं और दोनों की प्राइसेस और दोनों के रैम रोम दोनों सेम हैं। दोनों कंपनीज कंपेरिटिवली दोनों तकरीबन सेम कंपनीज अपने फ़ोन निकालती है। अगर टेक्नो कोई फ़ोन निकालता है तो इन्फिनिक्स निकाल देता है सेम स्पेक्स में, अगर टेक्नो निकालते हैं तो इन्फिनिक्स निकाल लेता है। इस तरह आपस में ये इनकी चलती रहती है। अब इन्होंने दोनों अपने 60,000 की रेंज में दोनों ने फ़ोन दिए हैं। इन्फिनिक्स ने दिया है 030, 8 GB रैम और 256 GB रोम। इसी तरह टेक्नो ने अपना फ़ोन दिया है स्पार्क 20 प्रो प्लस, ये भी 8 GB रैम 256 GB रोम में है। आइए वीडियो को शुरू करें और पहले सबसे पहले देखते हैं कि बॉडी में क्या फ़र्क है। अगर हम 030 की बॉडी देखें तो ये प्लास्टिक टाइप शाइनी टाइप बॉडी है इसकी। ये देखें इन्होंने अपनी जो बॉडी दी है, ये इसके इसका जो लोगो है ज़ीरो का उन्होंने नीचे रखा है यहाँ पे। फिर इसके कैमरे में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया अपना 108 MP कैमरा, और एक पॉकेट के अंदर उन्होंने वही ओल्ड डिज़ाइन जो आ रहा था इनका, जो स्केयर के अंदर अपने इन्होंने कैमरे रखे, तीनों तीनों लेंसेज कैमरे के स्केयर में रखे हैं। और इसका जो फ्लैश लाइट है वो भी इस पॉकेट के अंदर रखी है। थोड़ा ये अपने फ़ोन का जो ये पॉकेट है ये फ़ोन के फ्रेम से थोड़ी सी बाहर है। इसी तरह अगर हम टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस का अगर हम देखते हैं तो ये इन्होंने लेदर लुक में दी है। ये लेदर है, आप इसको फील कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इन्होंने टेक्नो स्पार्क का इन्होंने लोगो दी है और ये लेदर लुक है ये आप, और प्लास्टिक है वैसे लेकिन लेदर लुक है। और इसका जो इन्होंने कैमरा स्टाइल है वो लेटेस्ट कैमरा स्टाइल दे दी है, राउंड में दे दी है। पहले ओल्ड डिज़ाइन जो आ रहा था वो स्क्वायर में आ रहा था, इसका उन्होंने राउंड में दे दी है। और राउंड के अंदर उन्होंने चार लेंसेज टाइप दी हैं, जो कि लेंस इसके तीन हैं और ये इसकी वैसे ही इसके अंदर दी है, और ये इसकी फ्लैश लाइट है। ये भी अपना थोड़ा सा अपनी बॉडी से बाहर है, राउंड जितना बाहर ये है उतना ही बाहर इसका भी है। दोनों अपने अपने थोड़ी थोड़ी राउंड बाहर है। इसके बाद फ्लैश लाइट दी है इन्होंने। अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो इन्फिनिक्स जो कलर आ रहे हैं वो तीन कलर आ रहे हैं, गोल्ड आ रहे हैं, ग्रीन आ रहे हैं और वाइट आ रहा है। तीन कलर्स में फ़ोन अवेलेबल है। और जो टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस है ये चार कलर्स में अवेलेबल है, ऑर्बिट में, फ्रॉस्ट में, स्टार स्ट्रीम में और ग्रीन में। चार कलर्स में ये फ़ोन अवेलेबल है। इसके बाद अगर इनके बॉक्स में चार्जर देखें तो 45 वाट का चार्जर आपका 030 के साथ है और 33 वाट का फास्ट चार्जर टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के साथ है। अब आ जाते हैं कैमराज में बात की जाए तो दोनों के जो बैक कैमरे हैं, दोनों के बैक कैमरे सेम हैं, 108 MP। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि इन दोनों की काफ़ी चीज़ें सेम हैं, जो कि कैमराज दोनों के बैक कैमरा सेम है, 108 MP कैमरा है। अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा 030 का अच्छा है, 030 का 50 MP है, और जो स्पार्क 20 प्रो प्लस है इसका 32 MP है। कैमरा फ्रंट कैमरे के लिहाज से 030 जीतता है। फिर जो इसकी LCD जो है, दोनों की कर्व्ड LCD है, फ्रंट इसकी जो LCD है वह कर्व्ड है और एमोलेड है, दोनों की LCDs कर्व्ड है, एमोलेड है, और इन स्क्रीन फिंगर इनका डिस्प्ले फिंगर सेंसर है, दोनों के फिंगर सेंसर इनकी स्क्रीन के अंदर है। इसके बाद अगर वेट की बात की जाए तो 182 ग्राम फोन का वेट है 030 का, और ये बड़ा लाइट से वेट में 175 ग्राम वेट में फ़ोन आया है। ये 175 ग्राम फोन का वेट है, जो कि फ़ोन का वेट कुछ भी नहीं है, बहुत लाइट सा ये फ़ोन है। 5000 mAh की बैटरी दोनों में है, दोनों की बैटरी सेम है। फिर सबसे अच्छी बात जो है, दोनों की चिपसेट सेम है।
चिपसेट से आप लोगों को ये होता है कि आपकी गेम्स आपकी रन होती हैं, फोन हैंग नहीं होता, लैग नहीं करता। इसमें इन दोनों ने अपनी मीडिया टेक हेलियो G99 चिपसेट डाली है, जो कि आपकी गेम्स अगर चलेंगी, आपकी पबजी गेम चल जाएगी, उसके अलावा आपका जितनी आप गेम्स चलाना चाहें चलेंगी, इतना फ़ोन हैंग नहीं होगा, लैग नहीं करेगा, हीटअप नहीं होगा। चिपसेट भी अच्छी है, रैम रोम अच्छी है, कैमराज अच्छे हैं, जिसकी वजह से फ़ोन आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर इसके हम देखते हैं तो टाइप सी चार्जिंग जैक दोनों में दिए उन्होंने, दोनों के टाइप सी चार्जिंग जैक हैं देखें, और दोनों की लुक, नीचे की लुक बिल्कुल सेम है। दोनों के जो सिम ट्रे है नीचे है, दोनों के जो है स्पीकर्स है नीचे है, टाइप सी चार्जिंग जैक है, दोनों की साइड सेम है, इन दोनों के जो वॉल्यूम कीज़ हैं वो राइट साइड पे हैं, और दोनों के जो पावर बटन हैं वो भी राइट साइड पे हैं। दोनों फ़ोन बहुत अच्छे फ़ोन हैं, दोनों मार्केट के फ़ोन हैं इसका, दोनों फ़ोन बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप दोनों से जो मर्ज़ी खरीदें। फिर सबसे अच्छी बात, दोनों की प्राइस सेम है, सेम प्राइस के साथ अवेलेबल है मार्केट में, 60,000, 60,000 पाकिस्तानी प्राइस है। और अपनी ये पहले ब्लैक मार्केट नज़र रहे हैं दोनों ही, लेकिन आज ये फरवरी 2024 में ये अपनी सेम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, बल्कि मार्केट में आपको 1,000-2,000 रुपये लेस में मिलेगा। ये फ़ोन बहुत अच्छे हैं, आप लोग लाजमी खरीदें, दोनों में से जो मर्ज़ी खरीदें, दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम का आईडी मेरा मौजूद है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।